हेलो फ्रेंड्स, सिमी की किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल वेज दीवानी हांडी। ये एकदम डिलीशियस और टेस्टी बनती है। अगर घर पर कोई पार्टी या कुछ टेस्टी खाने का मन है तो आप वेज दीवानी हांडी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। उसमें 3 बड़े साइज के प्याज लंबी स्लाइसिस में कट किए हुए ऐड कर लेंगे। प्याज को लो फ्लेम पर ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने मिट्टी की हांडी क्यों ली है। मिट्टी की हांडी में बनाने से सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, प्याज हमारा हल्का गुलाबी होने लग गया है। इसको चलाते हुए लो फ्लेम पर ही फ्राई होने देंगे। प्याज फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। अब हमारे प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इनका ऑयल साइड में निकालते हुए इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब जो ऑयल बचा हुआ है उसी बर्तन में 8 से 10 काजू, 6-7 पीस लहसुन के, 2 तेज पत्ता, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 2-3 लौंग, 2 हरी इलायची डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें 3 बड़े साइज के रफली चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और साथ में 2 हरी मिर्च। अब टमाटर और हरी मिर्च को अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर को गलाने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालकर मिलाते हैं, जिससे टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, हमारे टमाटर सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अब हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमारा पेस्ट ठंडा हो चुका है तो हम एक मिक्सी जार लेकर उसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे और जो हमने फ्राई किए हुए ओनियन थे वो डाल देंगे। टमाटर के पेस्ट को और अनियन को अच्छे से पीस लेंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारा पेस्ट बनकर तैयार। अब 2 चम्मच ऑयल गरम करते हैं, उसमें कटी हुई सब्जियां मिलाते हैं, 2 कटी हुई गाजर, 1/2 कटोरी मटर के दाने, 1/2 कटोरी कॉर्न और 1/2 कटोरी बीन्स डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी फूल गोभी ली है, जिसे नमक और 1 पिंच हल्दी डालकर 1/2 बॉईल कर लिया था। अब सारी सब्जियों को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इन्हें ढककर बिल्कुल भी नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अब हमारी सारी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें भी हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। अब 2 चम्मच ऑयल गरम करेंगे। अब उसमें 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिला लेते हैं।
अब इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर मिलाते हैं। अब जल्दी से इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड करते हैं। मसाले को और पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ग्रेवी को 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। जब हमारी ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तब इसमें हम अपनी फ्राई की हुई सब्जियां मिलाएंगे। ये देखिए अब हमारी ग्रेवी उबलने शुरू हो गई है। अब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम अपनी फ्राई की हुई सारी सब्जियां मिला लेते हैं। यहाँ पर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देते हैं ताकि हमारी सब्जियां और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ढक्कन हटाकर देखते हैं कि हमारी सब्जी में उबाल आना शुरू हो गया है। सब्जी को बीच बीच में अच्छे से चलाते रहेंगे। लास्ट में अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून भुनी हुई कस्तूरी मेथी डालकर मिला लेंगे। कस्तूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए तैयार है हमारी वैज दीवानी हांडी। सर्विंग के समय इसमें नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे ताकि इससे हमारा खाने का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। और गार्निश के लिए इसमें क्रीम धनिया पत्ती का यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।